तो गाइस जो लोग जर्मन शेफर्ड को पसंद करते हैं उनमें से मोस्ट लोगों का ये फेवरेट कलर होगा, क्योंकि भाई जर्मन शेफर्ड में ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से एक हैं तो आज आप लोग काफी तगड़ी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि भाई आज की वीडियो में जिस पपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो अल्टीमेट क्वालिटी का है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये स्टड का बच्चा है। तो आप लोग तो जानते हैं कि जो भी ओनर अपने डॉग से किसी भी फीमेल की मेटिंग कराते हैं तो बच्चे देने के बाद वो पूरे लीटर से एक बेस्ट पपी को चूज करके लाते हैं। तो गाइस लीटर का बेस्ट पपी आप लोगों को मिल रहा है और वो भी प्योर ब्लैक कलर में। तो यार इससे अच्छी बात तो आप लोगों के लिए और क्या हो सकती है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि यार पपीज के जो ईयर्स हैं वो भी स्टैंड हो चुके हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई पता नहीं इसके ईयर्स खड़े होंगे या फिर नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि इनके ईयर्स को बार बार छेड़ते हैं तो जिसकी वजह से इनके जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और ईयर्स को खड़ा होने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और आप लोग इस ब्लैक जर्मन शेफर्ड पपी की क्वालिटी देखें, यार पपी सुपर्ब क्वालिटी में है और लॉन्ग कोट में है। वैसे इस पपी के जो फादर हैं जिसे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा वो स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास भी ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड पपीज हो तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हो। नंबर मैंने ओनर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो गाइस अगर इस पपी की एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो पपी फुल्ली एक्टिव है और ये चीज आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रही है। वैसे सबसे आसान तरीका है किसी भी पपी की हेल्थ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अगर पपी एक्टिव नहीं होगा तो हो सकता है कि उसे कुछ हेल्थ इश्यूज हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंख बंद करके इस पपी को परचेज कर सकते हो, क्योंकि पपी बिल्कुल परफेक्ट है और फुल्ली हेल्दी। तो फ्रेंड्स इस पपी की जो मदर है उसकी फोटो वीडियोस तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट फादर की क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है इस पपी के फादर जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है और काफी अच्छे एंगुलेशन में भी। और पर्सनली मुझे इस जर्मन शेफर्ड की हाइट और लेंथ दोनों ही काफी अच्छी लगी। बाकी स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है। इसका मेटिंग चार्ज क्या है वो ओनर आप लोगों को पर्सनली बता देंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पपी की बाकी के इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये जर्मन शेफर्ड पपी 40 डेज का हो चुका है और इसी एज में पपी की ग्रोथ काफी अच्छी है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बदरपुर दिल्ली NCR से। एंड दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग ओनर के पास विजिट करके भी इस पपी को परचेज कर सकते हो। वैसे ओनर के पास ये सिंगल मेल पपी ही अवेलेबल है और आप लोगों को क्वालिटी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, भाई ओनर की लाइफ टाइम की गारंटी है। तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 40,000 पीस यानी 40,000 रुपए। तो भाई क्वालिटी के हिसाब से प्राइस काफी जेन्युइन है, आप लोग दोनों से बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो, बिकॉज प्राइस जो है ये नेगोशिएबल है। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।